हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। आपने अभी कुछ दिन ही पहले, जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, तब सरकार की नीतियों में बदलाव किए गए हैं। आपने सुना होगा कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में भी निजीकरण का प्रावधान रखा गया है, यानी कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। यानी कि आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहती हैं, कंपनी में निवेश करना चाहती हैं, तो अंतरिक्ष क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें फायदा भी अधिक ही रहेगा, ये अनुमान पूरा है। तो इसी से संबंधित ये आपका आर्टिकल है, भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण। सबसे पहले आप याद रखिए कि एक शब्द आप हमेशा सुनते रहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसके बारे में आपको बता दें कि ये आपकी इसकी स्थापना इसरो की हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका एक आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसके अभी प्रशासक हैं डॉक्टर के सिवान, निर्देशक हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य में उपग्रह प्रमोचन यानों, परिग्रापी रॉकेटों, भू प्रणालियों का विकास करना, जो आप देखते हैं कि कहीं के आंकड़े आपको मिल जाते हैं, आप मैप भी यूज करते हैं, सैटेलाइट मैप्स, उसी की बात करते हैं, उसी किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सरकार ने भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए संगठन के निर्माण को मंजूरी दी है। नए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जो 6 महीने के भीतर कार्यात्मक होने की उम्मीद है, शैक्षिक और अनुसंधान स्थानों में सहित निजी कंपनियों की जरूरतों और मांगों का आकलन करेगा। इन आवश्यकताओं इसरो के साथ परामर्श कर समायोजित करने के तरीकों का पता लगाएगा। मौजूदा इसरो अवसंरचना जमीन और अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों और यहाँ तक कि डेटा को इच्छुक पार्टियों के लिए सुलभ बनाने की योजना है, ताकि निजी कंपनियां अपने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को करने में सक्षम हो। एक बात आप लोग याद रखिए, अमेरिका में अधिकतर क्षेत्र इसका प्राइवेट कंपनियों के पास रहता है, तो इसमें देखते हैं आगे कि क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है। अमेरिका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई निजी उद्योग शामिल नहीं है। वास्तव में रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और निर्माण का एक बड़ा हिस्सा अब तक भी निजी क्षेत्र में होता था। अनुसंधान संस्थानों की भी भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन तेजी से बढ़ते वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की लगभग 3% हिस्सेदारी थी, जो पहले से कम 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इस बाजार का केवल 2% रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए था, जिसमें से काफी बड़े बुनियादी ढांचे और भारी निवेश की आवश्यकता होती है। शेष 95% उपग्रह आधारित सेवाओं और जमीन आधारित प्रणालियों से संबंधित था। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अब आपके धरती पर होने वाले युद्ध खत्म हो गए, अब युद्ध होंगे अंतरिक्ष में। जैसे आप सोचिए कि एक सैटेलाइट आपका ऊपर है, जिसने सैटेलाइट आपके सैटेलाइट नष्ट कर दिए, आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगी आपकी निर्भरता सैटेलाइट अंतरिक्ष में, तो आप फिर जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो उसी तरह है कि इस समय मुझे लगता है कि आप जिस तरह मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं, कि आपके पास मोबाइल ना रहे, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया से ना जुड़े रहें, तो आपको लगता है कि आपका जीवन अस्तित्व नहीं है इस धरती पर। तो यही हाल है हमारा, कि हम लोग इतने हद तक अब अंतरिक्ष यान, आप समझ सकते हैं कि बाढ़ आ रही है कहीं तो पहले पता चल जाता है, तूफान आ रहा है तो पता चल जाता है, चक्रवात आते हैं तो पहले पता चल जाता है, कहीं घुसपैठ हो रही है तो आपको पता चल जाता है कि कौन कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। ठीक है, आप सबसे बड़ी बात, आपको कहीं जाना है तो मैप्स का आप सहारा लेते हैं, गूगल मैप्स का, उसमें भी सैटेलाइट का ही उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे खत्म, अगर कोई देश किसी के सैटेलाइट को खत्म कर देते हैं,
तो वो देश अंधकार में चला जाएगा। इसी तरह की लड़ाइयां होंगी आगे। ठीक है, भारतीय उद्योग हालांकि पित्ती स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि अब तक इसकी भूमिका मुख्य रूप से घटकों प्रणालियों की आपूर्तिकर्ता ही की रही है। भारतीय उद्योगों के पास उस तरह की स्वतंत्र अंतरिक्ष परियोजनाएं करने के लिए संसाधन या तकनीक नहीं है जो अमेरिकी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स कर रही हैं या अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हमारे यहाँ केवल उपकरण उपलब्ध कराती थी प्राइवेट कंपनियां अभी तक, लेकिन अमेरिका में देखा होगा आपने, स्पेस एक्स, इसने मानव अंतरिक्ष यान भेजा हुआ है, तो ये खुद अंतरिक्ष यान छोड़ सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की सुविधा पहले ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारत के भीतर भी अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं की मांग बढ़ रही है और इसरो इसे पूरा करने में असमर्थ है। सैटेलाइट डेटा, इमेज रीच और स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत अब सेक्टरों में कटौती करती है। मौसम से लेकर कृषि तक, शहरी विकास तक और भी बहुत कुछ करने के लिए इसरो को मौजूदा स्तर पर 10 गुना विस्तार करना होगा। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए निजीकरण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण के मुख्य कारण क्या है? अंतरिक्ष में निजीकरण के दो मुख्य कारण है, एक वाणिज्य और दूसरा रणनीतिक। बेशक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अधिक प्रसार, अंतरिक्ष संसाधनों के बेहतर उपयोग और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की आवश्यकता में वृद्धि की आवश्यकता है। इसरो इस जगत जरूरत को अपने दम पर संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। निजी उद्योगों को भी इसरो को विज्ञान अनुसंधान और विकास, अंतः विषय अन्वेषण और रणनीतिक प्रक्षेपणों पर आधारित केंद्रित करने के लिए मुक्त करेगा। अभी इसरो के बहुत से संसाधनों का उपयोग नियमित गतिविधियां द्वारा किया जाता है जो इसके अधिक रणनीतिक उद्देश्यों में देरी करते हैं। इसरो को केवल मौसम या फिर संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करना चाहिए। दुनिया भर में निजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या वाणिज्यिक लाभ के लिए इस गतिविधि को ले रही है। इसरो नासा की तरह अनिवार्य रूप से एक वैज्ञानिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की खोज और वैज्ञानिक मिशनों को पूरा करना है। आने वाले वर्षों में कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन हैं, जिनमें सूर्य चंद्रमा पर एक मिशन, एक मानव अंतरिक्ष यान और फिर संभवतः चंद्रमा पर एक मानव लैंडिंग का मिशन भी शामिल है। अभी हमारे भारत की बात की जा रही है। लाभ और समस्याओं की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के निजीकरण के उदाहरण के साथ तो लाभ देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के निजीकरण का सबसे बड़ा लाभ या लागत प्रभावशीलता है। उदाहरण के लिए, जबकि पुराने स्पेस शटल प्रोग्राम की लागत हर साल लगभग $4 बिलियन होती है, लेकिन नए वाणिज्यिक प्ली अली सर्विस कॉन्टैक्ट्स की लागत लगभग $50 मिलियन प्रति लॉन्च होगी। जो अभी 4 बिलियन थी उसे 50 बिलियन तक लाया जा सकता है। इसे सीधा छोड़िए, आपने देखा होगा कि जो सरकारी रोड रोड का ले लीजिए, 50 लाख जिसमें खर्च आ रहे हो, वही प्राइवेट को दे दीजिए, वो 20 से 25 लाख में खत्म कर देगा। क्योंकि इस बात से आप लोग परिचित हैं कि सरकारी काम में ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट भी नहीं होता है उससे। वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कम प्रॉफिट कम लगाती हैं लागत और प्रॉफिट अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार नासा के पास अब अन्य क्षेत्रों में खर्च करने के लिए अधिक धन उपलब्ध है। अमेरिका की बात की जा रही है। पुराने शोध के नियमित अनुपयोग से प्रभावित होने के बजाय नासा अपने सीमित बजट को अन्य अज्ञात लोगों की अनुसंधान और नई दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा प्रौद्योगिकियों के विकास पर अधिक काम करने के लिए प्राथमिकता दे सकता है। इसके अतिरिक्त कई निजी कंपनियों के साथ सभी नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है। नवाचार के लिए अधिक संभावनाएं, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। निजीकृत अंतरिक्ष यात्रा के प्रस्तावक यह भी बताते हैं कि निजी क्षेत्र अक्सर सरकारी विकसित तकनीकों को आम जनता के लिए आकर्षित या फिर सस्ती तकनीकों और उत्पादों में बदल देता है। अंतरिक्ष उद्योग अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन दोनों के लिए विशेष रूप से अवसर से भरा है। प्राकृतिक संसाधनों की ओर अनमोल धातु, खनिज और ऊर्जा अंतरिक्ष में अनंत आपूर्ति में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए एक औसत आधा किलोमीटर एस टाइप क्षुद्रग्रह की कीमत $20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
कई कंपनियों ने कम पृथ्वी की कक्षा प्रौद्योगिकी शुरू कर दी है ताकि लोगों को एक छोटी यात्रा के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सके। उदाहरण के लिए वर्जिन गैलेक्टिक दो या कब 2,50,000 डॉलर में अंतरिक्ष में छोड़ी उड़ानें प्रदान करता है। हालांकि वर्तमान मूल्य लागत निषेधात्मक है। इस सेवा की संभावित बाजार को सीमित करते हुए निजी कंपनियों के पास भविष्य में अधिक लागत प्रभावी होने के लिए सरकारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का समय है। कुल मिलाकर ये निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनियां नौकरियों का सृजन करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाएगी। इस प्रकार संभव है कि भारत की कंपनियां भी स्पेस एक्स फ्लोरेशन द्वारा भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल रहे। समस्याएं क्या हैं उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है और समस्याएं मतलब लाभ भी हो सकते हैं। तो लाभ हम देख चुके हैं, आप समस्याएं देख लीजिए। हालांकि निजीकरण के कई लाभ हैं, लेकिन आलोचकों का को यह इंगित करने के लिए जल्द ही यह एक अत्यधिक आशावादी तस्वीर है। वास्तव में कई निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनियां ओवर प्रोमाइज और अंडर डेलीवर हैं। उद्योगों में असफल सार्वजनिक निजी भागीदारी के असंख्य मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए X-33 स्पेस शटल डिजाइन के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ नासा की साझेदारी ने नासा की 912 मिलियन अमेरिकी डॉलर और लॉकहीड मार्टिन की 357 मिलियन की डॉलर की लागत है। इसके अतिरिक्त जबकि कंपनियां अक्सर नासा की तुलना में तेजी से निर्णय और निधि परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम होती हैं, उन्हें अलग अलग प्रतिस्पर्धी हितों से भी निपटना पड़ता है। जबकि नासा को सरकार और करदाताओं के हितों का जवाब देना है, निजी कंपनियों को लाभप्रदाता विभिन्न प्रकार के शेयरधारकों के हितों और नासा के साथ एक सुरक्षित अनुबंध पर भरोसा करना है। चूंकि लाभप्रदता बहुत सारे निर्णय लेने का एक प्रमुख कारण है, ऐसे कार्यक्रम जो अंतरिक्ष अन्वेषण और ज्ञान के सामान्य विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन तत्काल वाणिज्यिक अनुपयोगों की कमी होती है, विकसित नहीं हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान और विकास से वे सरकार के लिए अभी भी एक जगह है। भारत के मामले में जहां जनता गरीब और मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से संबंधित है, अंतरिक्ष के निजीकरण से गोपनीयता और अन्य मुद्दों के बारे में अधिक समस्याएं पैदा होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि निजता का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, उसी की बात की जाएगी। तो ये था आपका इसरो में निजीकरण की से संबंधित जो भी मुद्दा है उसी से संबंधित। ठीक है, याद रखिए हमेशा आपको वो पॉइंट निकालना है हर आर्टिकल में से जो आपके आंसर राइटिंग के लिए जरूरी हो सके, ठीक है, और प्रीलिम्स के भी लिए जरूरी हो।